चलो। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू न्यू व्लॉग। टुडे इज 30th अप्रैल एंड सुबह के बजे 5:30 एंड मैं ग्राउंड में, वो भी करेंटली। आज के दिन स्पेशल क्यों, उसके तीन रीजन है बेसिकली। आज मेरी नानी का बर्थडे, सो नानी वेर एवर यू आर इन दी हेवेंस, हैप्पी बर्थडे, विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। सेकेंड है, आज मेरी मॉम का रिटायरमेंट फेयरवेल पार्टी है, टुडे इज हर लास्ट डे, सो इट्स वेरी स्पेशल, सो पूरा व्लॉग उसी के ऊपर होने वाला है आज का। एंड थर्ड इज आज सेमीफाइनल मैच है हमारी टीम का पैराडाइज ग्राउंड में टूर्नामेंट का। ये हमारे रिमेनिंग बैट्समैन बचे फेट कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हमारी बैटिंग, हम चाहते ही नहीं हमारी बैटिंग। 18 रन चाहिए हैं 35 बॉलों पे, 4 विकेट्स लेफ्ट हमारी टीम को। भागो, बहुत बढ़िया, एक्स्ट्रा रन आ गया। अच्छा खासा, इतना बढ़िया खेल रहा था, मतलब क्रीज पे टिका हुआ था, 21 बनाए 29 बॉल पे, बट बेकार शॉट खेल के आउट हो गया, बेफालतू में हवा में मार दी। ओए, चेक कर लेते हैं, शाबाश, 11 नहीं लो, पानी पियो, 5 ओवर में बहुत है, आराम से। हम चौका मार के ही कैसे जीतेंगे, विनिंग शॉट, सिंगल डबल, 3 रन टू विन, जीत गए, आश, वेल प्लेड बॉय, जीत गए, जीत गए, फील्डिंग है बॉय यार, इनटू फाइनल्स। अब जाने मम्मी के स्कूल, मम्मी और पापा चले गए हैं 10:30 बजे, मैं हो गया हूँ थोड़ा सा लेट, हाफ एन आवर, ज़्यादा नहीं, मैं रेडी हो गया हूँ, 12:30 हो गए हैं, एंड अभी पापा को कॉल किया, वहाँ पे फंक्शन ऑलरेडी ख़त्म होने वाला है मम्मी का। मेरी मौसी भी है, चाची भी है, मेरे लिए दोनों तरफ का रिश्ता
और हम उन्हें बेबी मौसी कहते हैं, तो मैं उनको बेबी मौसी कह के एड्रेस कर दूँगी। मेरे लिए पहले बना मैं ड्रामा होता। सो मेरी बेबी मौसी के साथ बिल्कुल बचपन से यादें हैं, क्योंकि मैं उनके साथ उनके स्कूल पिकनिक्स पे जाती थी व्हेन आई वाज 4 साल से। सो मेरी वो मेमोरीज हैं गोइंग टू स्कूल विद हर, स्कूल पिकनिक में उनके साथ। और इतना लंबा टाइम स्पैन उन्होंने गुजारा है इन अ जॉब एंड वी ऑल नो हाउ डेडिकेटेड शी इज। मैं अभी भी जब भी मौसी से बात करती हूँ, बाहर रहते हैं, हमेशा अपने स्कूल के बारे में ज़रूर बताते हैं कि बच्चों का क्या है, प्रिंसिपल मैम के बारे में और वाइस प्रिंसिपल मैम के बारे में। आजकल स्कूल में वेरी वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर अस। आई एम श्योर शी विल मिस यू लॉट। जो हम मिस करेंगे मौसी स्कूल देखते हैं वो मिस करेंगे, बट नाउ वी आर ऑल्सो हैप्पी बिकॉज शी कैन इजीली एंड फ्रीली ट्रैवल। जो हम कब से गए मौसी हमारे पास आके रहो, सो नाउ शी विल बी विद अस फॉर। जितनी भी सर्विस है बहुत अच्छे तरह से निभाई है और घर और परिवार का दूसरे के लिए बना के रखा वो आगे भी रखें। और उसके बारे में जिससे ज़्यादा आप लोग जानते हैं, क्योंकि आपका साथ उसके साथ ज़्यादा रहा है। मैंने सर कमाल आपके साथ दिन के 8 घंटे बिताती थी, हमारे साथ वीक में कभी कभी मिलना होता, लेकिन उसके बारे में आप सब जानते हैं वो दिल की बहुत दिल की हीरा है। उसके दिल पर कभी कुछ चिंती रहती है और उसकी सबसे बड़ी हमें शिकायत है कि वो अपने स्कूल के प्रति बहुत समर्पित है। रात के 2-2 बजे जाग के वो स्कूल का काम करती है, चाहे स्कूल आना हो या ना। उसकी डेडिकेशन बहुत रिस्पेक्टेबल है। उसके घर आज आप लोगों का प्रिंसिपल होना है, लेकिन बहुत खुशी जो आप लोगों ने इतनी खुशी और मेरे पे सवेरे दी है, बहुत खुशी। यार उबर वाले हर बार कैंसिल कर देते हैं यार, इनको जाना होता नहीं है, बाकी 15-15 मिनट की वेटिंग है, मुझे उबर मोटो करानी पड़ रही है यार। बताओ इतनी गर्मी में ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ फंक्शन के लिए, मम्मी के वहाँ पे ऑलरेडी स्कूल में बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, मुझे जाना पड़ेगा गर्मी में। भाई बुरे हाल होने वाले हैं, जो अच्छा खासा ड्रेसअप हो रखा है सब जाएगा। बाय बाय, टाटा, खत्म, गुड बाय। बहुत ही खुशी का दिन है जिसका हर एक को इंतजार होता है। जैसे हम ज्वाइन करते हैं उसमें पता चल जाता है कि हमें कब रिटायर होना है, लेकिन उतने वर्ष में नई उमंग के साथ नए जोश के साथ हमेशा हर पल हर क्षण काम करते रहना चाहिए, ये हमने अपने पापा मम्मी से सीखा है और अपनी बुआ जी से जो कि किसी डिपार्टमेंट में रहे हैं और बहुत ही लगन से मेहनत से सिंसियरिटी से उन्होंने काम किया और शायद वही हमारे अंदर भी उनके संस्कार आए हैं। तो आज मैं समय समान सम्मान पा रही हूँ वो अपने मम्मी पापा और अपने सास ससुर को, मेरे जीजे और डैडी हैं उनकी कृपा से। और मेरा जो परिवार है उसमें मायके वालों ने भी और ससुराल वालों ने भी हमेशा हर पल हर क्षण हमें साथ दिया, हमें प्यार दिया। जो आज ये सम्मान मिल रहा है वो सब उन्हीं की कृपा से। और मैं सबसे पहले अपने ईश्वर का, अपने ईश देव और अपने गुरुवर माँ जी का करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ कि ये मौका उन्होंने हमें दिया। जिंदगी के बारे में 39 ईयर्स आपने देखे भी और सुने भी। मेरा हमेशा ये नजरिया रहा है कि जब भी काम करना है उसको मैंने कभी भी मन से ना किया हो ऐसा नहीं। जिंदगी में कई फेज आए, हर तरीके के नई चुनौतियां, तो कभी भी मेरे अंदर नेगेटिव फीलिंग नहीं है और ना मैं आज तक हूँ। आई एम ऑलवेज पॉजिटिव और मैं अपने बच्चों को भी, घर में भी अपने बच्चों को, बहनों, मेरी माँ जी भी है और मेरे पति जी भी, जो भी बच्चे हमारे परिवार में हैं सबके सब वो पॉजिटिव थिंकिंग ही उन्होंने सीख ली है और आगे चल के सब अपने वेल सेटल्ड। साथ ही आप सब से मुझे भरपूर प्यार मिला, मेरे सभी स्कूल से, सभी प्रिंसिपल से, वाइस प्रिंसिपल, मेरे सहयोगी, हमेशा हर हर हर्षित मुझे उनसे सहयोग मिला। और मैं खुश नसीब हूँ कि मैंने इतने सारे स्कूलों में काम किया और हर जगह 5 सम्मान पाया।
और इस स्कूल में जब मैं जेएनके में आई 2011 में, तब मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ से जाऊंगी। मैंने कहा 2011 में या 2022 तक अपगवा जी ने अपने पास स्कूल में किया है तो यही से मेरा रिटायरमेंट होगा। लेकिन आप लोगों से जो नाता पूर्ण चरण का होगा तो भगवान ने यहाँ भेजा 2018 में, जुलाई 2018। ज़्यादातर आप देखेंगे जो मैंने अपने ये प्रशस्ति पत्र में आपने देखा कि जुलाई का महीना और 30 मेरे लिए बहुत ही लकी रहे हैं। 30 जुलाई को ही मैंने ज्वाइन किया था और 30 अप्रैल को यार रिटायर हो गया। और आज सबसे बड़ी बात कि मेरी मम्मी का हैप्पी बर्थडे है। एक बार सब मम्मी पापा जहाँ पे भी आप हो, आप प्रणाम और सब मिलके बोलो हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मम्मी, आप हमेशा हम सबको अपनी ब्लेसिंग देते रहेंगे और हम हमेशा आपकी ब्लेसिंग लेते रहे, हमें इसी योग्य बनाते रहो। हाँ सब रास्ता पता है, चलो चलो यार की बहुत लेट हो गया, आज को ले लेना यहाँ से राइड। तुम्हारा भी पहली बार है? मतलब मैं पहली राइड हूँ? हाँ पहली। अरे क्या बात है भाई की, मैं पहली राइड भी हूँ, क्या बात है। सही है, ट्राई करना चाहिए लाइफ में भाई। कैसे चला लेते हो तुम लोग स्कूटी भाई इतनी गर्मी में, है ना। चल भाई तेरी जी थैंक्स भाई, प्रणाम। मम्मी प्रणाम। कैसा लग रहा? बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। नहीं है मैच कैसा रहा? बढ़िया लगी। ये भाई चल बढ़िया। आईसीसी हां बड़ापन। मैंने सुना भी आप लोगों की वरमाला भी हुई है। हां क्या बात है, जबरदस्त ब्याह हुआ है। दही भी आ गए। ये पूरी 113 स्टाफ आ रखे मम्मी के लिए। ये भैया पुराने दिन के याद कर रहे हैं। देखो ये टाइम है, ये टाइम तेरे हंस तो लो इतना कॉन्शियस भैया थम ही नहीं रहे। रिटायरमेंट ऑफ श्रीमती प्रतिभा कुइरा पीजीटी इकोनॉमिक्स, वो मेरी माता जी हैं। माइक शाम को मिलते हैं। थैंक यू। ये रहा आउटर से मम्मी का स्कूल, यहीं आके स्कूल पे छोड़ा करता था मैं। मैंने कहा मम्मी यहीं पे आपको छोड़ा करता था हमेशा, आप लेट हुआ करते थे घर में। लेट हो रही हूँ, लेट हो रही हूँ, मेरा रेड मार्क लग जाएगा। कोई टेंशन नहीं है, आप कोई टेंशन नहीं। और वैसे बोल रही है तेज चलाने के लिए, उस दिन भाई तेज चला धीरे क्यों चला रहा है। क्या ही थी, पापा ही छोड़ने जाते थे ये रे। अंदर का स्कूल अरेंजमेंट बहुत बढ़िया किए हमारी बीना कौर मैडम और सब ने बहुत सहयोग दिया। मजा आया नहीं आया बस आपको? हाँ, वो इम्पोर्टेंट। हाँ आनंद परमानंद आया नहीं आया। मैंने कहा अपने स्कूल टाइम में तो कभी प्रिंसिपल के रूम आने का मौका नहीं मिला, एक दो इंसिडेंट थे बट ठीक है। बट आज मम्मी का फेयरवेल है तो उसमें मैम के रूम में आने का मौका। मार्क लगने वाला था जो यहाँ पे आके आपको साइन करने होते थे के सिग्नेचर है। 40 लास्ट सिग्नेचर इज अ पीजीटी टीचर, पीजीटी लेक्चरर इकोनॉमिक्स, टाइम एंड डेट 30th अप्रैल 2022। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, हो गया।
सेकंड शिफ्ट की ड्यूटी है भाई की। भाई बड़ा परेशान है, गर्मी से देखो लाल टपक रही है बेचारे की। हाँ नहीं, वो तो मुंह खोले रखते हैं ना ये लोग अपना। वैसे आपको पता है आज डेट क्या है? हाँ। क्या है? 30 अप्रैल। और 30 अप्रैल को क्या होता है? हाँ, मेरी मम्मी का बर्थडे होता है। हमने इतना एंजॉय किया, सबने हैप्पी बर्थडे भी बोला, मेरे सारे स्कूल वाले ने। नानी को और क्या, मतलब के माता जी के जन्मदिन के दिन आपकी रिटायरमेंट रिटायरमेंट हो गई। मतलब कितनी अच्छी डेट है। डेट कौन सी है? मैंने कहा 30 अप्रैल है। कह रहा और क्या खास दिन है? मैंने कहा मेरी मम्मी का बर्थडे, मेरे सारे स्कूल ने हैप्पी बर्थडे बोला। विशेष हैप्पी बर्थडे टू मम्मी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस। वाओ, मजा आ गया। बहुत मजा है, इतना बढ़िया होता है यहाँ का। बस वो उनकी रह गई, हमारी प्रिंसिपल मैम की। अच्छा ये तो बताओ आपको कितने साल हो गए, कितने कब स्टार्ट किया था आपने अपना? 39 years की सर्विस। ये तेरी मम्मी ने 21 वर्ष की अवस्था से 34 years गवर्नमेंट की और 5 साल एडेड स्कूल की। 39 years, अ लॉन्ग गोल्डन पीरियड ऑफ माय लाइफ। पूल पार्टी इज डन मम्मी की, अब हम करने जा रहे हैं आफ्टर पार्टी और अभी हम ताऊ जी घर जा रहे हैं। एंड देन फिर साथ में वहां से निकलेंगे तुम्हारा रेस्टोरेंट। आर यू रेडी फॉर आफ्टर पार्टी? यस, और कीप इट अप। अभी मस्त मैं निकला, सामान लिया मैंने एंड रचित की मम्मी भी मिल गई थी तो मस्त उनसे भी बतिया लिया थोड़ी बातें। किसी आप रेडी नहीं हुए? गो गेट रेडी, ग्रूम सेशन। स्पेशली यूएसए से आई आपकी फेयरवेल अटेंड करने, बताओ इससे बड़ा वीआईपी कौन हो सकता है? फ्रॉम गोवा कम। Come. This is for you. Yeah. Okay. Go. Mama's gonna put the cat hat on first. Go. You love hats. Wow. Well, look. What a new T-shirt for you. Oh, if it wow. Nice go, huh. I love Goa. But it's a little tight. I've seen it. This is for you. This is for you. I love you. Love what you. You tell me. Oh no, mama. Yeah. Woo! Goa. Go, Goa. Do you like it? Oh, yes. Thumbs up. It's really good. Wow, mama looks good. Do you want to wear it? No. No. Just I. What is this, Yuna? I love you. Give me a high five. ये नानी के साथ फुल एंजॉय चल रहा है। वो कह रही है अब जाओ। क्या बात है मम्मी, गिफ्ट भी मिल गया आपको। अरे दे 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 दे। गारमेंट हुई है। मैं सोच रही हूँ पहन वो बना के बहुत बढ़िया। प्रणाम। थैंक यू। हम सब प्रणाम क्यों करते जब हमें कुछ वो मिलता है, गिफ्ट मिलता है ऐसा? आशीर्वाद लेते हैं। That's an ambulance, you know? मैं USA का मैं गई थी हमारे यहाँ पे। तुम जैसे अभी ये राइट है ना, तूने अभी रोक ली है जिसमें राइट टर्न। हम क्या करते गाड़ी आगे ले जाके एकदम वहाँ पे लगा देते बीच में, ऐसे टर्न हमारे लिए लेफ्ट का होता तुम्हारे राइट का है। अच्छा, तुम बिल्कुल बीच में लगा देते हो और फिर अगर वहाँ से गाड़ी नहीं आती देन यू कैन फटाफट टेक। ओके, तो आप कहना चाह रहे हो जैसे ये है यहाँ से मतलब आप राइट लेन में लगा सकते हो। मैं बीच में खड़ी कर सकती हूँ। हाँ, और अगर फिर आपको अगर राइट लेना है तो आप ले सकते हो। हाँ, मतलब आपको मौका मिले तो ये उनकी येलो ही तो फटाफट तुम निकाल सकते हो। अच्छा, हम नहीं निकाल सकते, हम यहाँ पे चलान कर देंगे। ठुल्स ठुल्स आएंगे, आओ पकड़ो साइड में आओ। मैं निकल गए हैं डिफरेंट डिफरेंट डिशेस ट्राई करने के लिए कि क्या है मेन्यू आज का। दैट्स अ ना, ये मेरी सेहत के लिए हानिकारक है। से चीज, ओ फ्रूट चाट। ये इतनी सारी डिशेस होती है, कौन इतना सब खा लेते हैं? आप हम खा लेते हो क्या? कोई नहीं खा पाता ना, इतनी सारी वैरायटीज होती है। 100% में हम 20% खाते हैं यूजली। हां, लेकिन मजा आता है ना देखने में कि बहुत ऑप्शंस और वैरायटी है। ये तो हमारे फेवरेट है, तो सब पेल जाऊंगा आज। ले लो तुम फर्स्ट मील, चिकन थाई सूप, चिकन डिमसम एंड स्पाइसी चिली चिकन। यामी यामी, सियाना गॉट द टेबल। यामी यामी याम।
Meal 3, chicken biryani and mutton roggan josh. No. Siona. ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया. My meal 4, dal makhni, dal tadka, paneer butter masala and naan. Where are we? I'm a waiter. तो फिर दी कैसा था? क्या था? तामरा. तामरा. कैसा was the food? Very very good. दी is very particular about the food and everything. So 7 minutes to go for 1st May and मेरी माता जी का जन्मदिन भी है आज. मम्मी 2 minutes to go. किसके लिए? मौसी birthday. आपका 60th birthday. मौसी से जितने साल हम पूछते रहे ना बचपन में, आप मौसी आप कितने साल के हो गए, मौसी मुझे कहती है मैं 16 इयर्स की हूँ, उससे आगे बढ़ी नहीं थी और आज एकदम से 16 हो गई. मम्मी मम्मी अब तो यूट्यूब वालों को पता चल गया आपकी एज. जियो हजारों साल ये मेरी है. मम्मी आप इधर बैठो एक मिनट जल्दी आओ. ये हैप्पी 60th बर्थडे. से हाय. माइक कोर्स. तो मम्मा आपका फेयरवेल पार्टी भी हो गई, जन्मदिन की भी सेलिब्रेशन हो गया, कैसा लग रहा है? कैसी थी पार्टी? बहुत बढ़िया थी, बहुत एंजॉय किया. फिर से टैमरा का खाना कैसा लगा? टैमरा का खाना बहुत ही डिलीशियस. और हम बिल्कुल अंधेरे में आ गए हैं गाइस, लाइट नहीं आ रही. चलो इसी बात पे गाइस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं. आपको आई होप आपको मम्मी का फेयरवेल बहुत अच्छा लगा, पार्टी व्लॉग अच्छा लगा होगा. बहुत अच्छा लगेगा. तो क्या करना लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल गाइस. ठीक है, ओके. एंड वी आर क्लोज टू 500 सब्सक्राइबर्स. सो आप सबको 500 सब्सक्राइबर करते हैं गाइस और इस फैमिली को आगे बढ़ाते हैं. ओके, गुड नाइट. बाय, गुड नाइट. Happy birthday, dear baby. Happy birthday. ये देखो मामा.